दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव के रुद्रावतार है हनुमान जी। इस कलयुग के समय में हनुमान जी की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। यदि हनुमान जी को कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजता है तो हनुमान जी बहुत जल्दी अपने भक्त से खुश हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो साक्षात सशरीर धरती पर मौजूद हैं और अपने भक्तों के दुख और उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए तो कलयुग में सबसे ज़्यादा हनुमान जी के भक्त आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही श्री राम एवं माता सीता ने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह कलयुग में धरती पर ही सक्रिय रहकर जो भी भक्त श्री राम जी को याद करेगा और हनुमान जी को याद करेगा, उनके हर संकटों को हनुमान जी शीघ्र हर लेंगे और उस व्यक्ति पर साक्षात अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। यदि उनका हाथ किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाए, उनका आशीर्वाद किसी पर हो जाए तो उस भक्त को मृत्यु तक का भय नहीं रहता। हनुमान जी उसकी हर परेशानी, हर पीड़ा सब कुछ हर लेते हैं। दोस्तों, सभी शक्ति के स्वामी हनुमान जी के विषय में हम आपको यह बता दें कि आखिर उन्हें ये सभी शक्तियाँ प्राप्त कैसे हुई। दोस्तों, एक बार हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने सूरज को फल समझ लिया, क्योंकि सूरज हनुमान जी को लाल रंग के फल सा प्रतीत हो रहा था। सूर्य देव को सेब समझ हनुमान जी ने अपने मुंह में डाल लिया। तब सूर्य देव ने इंद्र देव को याद किया और इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से हनुमान जी को चोट पहुंचा दी। इंद्र के वज्र से जब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो अपने पुत्र को छटपटाते हुए देख पिता वायुदेव ने अपनी वायु का वेग ही रोक दिया। तब वायुदेव के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान देते हुए बोला कि इस बालक को कभी भी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा। यह शत्रुओं के लिए भयंकर तथा मित्रों के लिए अभिदाता बनेगा और इच्छा अनुसार अपना स्वरूप भी पा सकेगा। इंद्रदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि मेरा वज्र भी अब इस बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो वहीं सूर्य देव ने भी कहा कि इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूं। वहीं यमराज जी ने वरदान दिया कि यह बालक सदैव निरोगी रहेगा और मेरे दंड से मुक्त रहेगा। कुबेर देव ने वरदान दिया कि युद्ध में हनुमान जी कभी भी विषादित नहीं होंगे, राक्षस भी इन्हें नहीं हरा पाएंगे। वहीं देवों के देव महादेव शिव ने भी उन्हें अभय वरदान दिया। इन सभी वरदानों को प्राप्त कर हनुमान जी कलयुग के प्रमुख एवं शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्यात्मक हनुमान चालीसा खुद में हजारों और लाखों मंत्रों के समान शक्तिशाली बताई गई है। वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी गुप्त चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इसे आपने सही से और निरंतर जाप कर लिया तो आप सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं और साथ ही आपके जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की चौपाई का जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जाप करे तो उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं और हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। खुद हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस चौपाई के बारे में। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको हनुमान जी के सामने मंगलवार के किसी भी समय, सुबह हो या शाम, आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक घी का दीपक हनुमान जी के सम्मुख जलाना है और मात्र 21 बार इस चौपाई का जाप करना है। चौपाई दोस्तों इस प्रकार है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जान की माता। हनुमान जी आठ सिद्धियों और नौ निधियों को रखने वाले भगवान हैं। इनको ऐसा वरदान माता सीता जी ने दिया था। यदि जीवन में व्यक्ति को शक्तियों की प्राप्ति करनी है ताकि जीवन निर्वाह में आने वाली हर विपदा से वह सुरक्षित रहे, तो नित्य रोज ब्रह्म मुहूर्त में घंटा आधा घंटा इन पंक्तियों का जाप आपको अत्यंत लाभ दिलाएगा। आपको बता दूं कि इस चौपाई के जाप मात्र से आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी और सदैव आप जो भी मनोकामनाएं मांगेंगे वह पूर्ण होगी।